जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। गिरते हुए को उठा करके खड़े करना और उनके आगे बढ़ाना बहुत कम मिलते हैं। बंधुओं मैं कहना चाहूँगा, कोई आधार देकर भी अधर में रहता है। मैं देखता हूँ, मेरे को कभी कभी अधर में रहता हूँ ऐसा लगता है। आपके प्रत्येक प्राणी के पास चलता रहता हूँ, आपके सुख दुख के साथ देता रहता हूँ, देते देते मैं चलता रहता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है मेरा गंतव्य दूर है, मेरे जाने का समय भी लग रहा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आपको आधार देते देते मैं आपको अपने साथ तक पहुंचा देता हूं। मैं अधर में ही रहता हूं तो भी बीच रास्ते में भी रह जाता हूं, वहीं पर सो जाता हूं, वहीं पर साधना में लग जाता हूं तो भी शांति मिल जाती है। मेरे को विश्वास हो गया तुम तो अपने साध तक पहुंच गए, मैं अधर में रहूंगा, निराधार रहूंगा तो भी कोई बात नहीं। इतने सब लोगों को यदि आधार मिलता है, मेरे निराधार होने से कोई दुख की बात नहीं है। बंधु कोई आधार देकर अधर में रहता है, थोड़ा सा विचार कर लेना, आपने कभी दूसरों को आधार देने के लिए निराधार को आपने धारण किया है क्या? ऐसे कभी महान पुण्य का काम किया है क्या? आपने अभिषेक तो किया होगा, पूजन तो किया होगा, लेकिन अधर में रह करके भी दूसरों को आधार कभी दिया है क्या? आज संकल्प करो, सभी अधर में कितने भी धनवान क्यों न हो, स्वर्ग के देह भी आधार में है, लेकिन हम आधार देकर दूसरों को आधार देकर के ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि सब लोग कहते हैं उनको हटा दो, इनको हटा दो, तुम हमेशा संकट में बने रहोगे, इसलिए उनको छोड़ दो, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा करना तो धर्म से दूर होना है, धर्म को दूर करना है, धर्म को ही छोड़ना है, इसीलिए कभी ऐसा काम नहीं करना। आपको देर होती है तो होने दो, आपको अपने साध से वंचित रहना पड़ता है, अधर में रहना पड़ता है तो रहने दो, किंतु जो जो रास्ते में मिलता है उन सबको आधार देना, उन सबके सिर पर हाथ रखना, उन सबके पीठ पर हाथ रखना, सबको दिशा देना, सबको मार्गदर्शन देना और सबको उनको मार्ग दिखा करके उनको गंतव्य तक पहुंचा देना, फिर बाद में अपने मार्ग से चला जाना। यही तुम्हारा मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग है, यही सन्मार्ग है, इससे बढ़कर के दुनिया में कोई मार्ग नहीं है। बंधु हम साथ देंगे, हम अगर में आधार देंगे, लेकिन कोई किसी को आधार नहीं देता। अलग करना तो धर्म को दूर करना है, उनको आधार नहीं देना तो अधर्म का आधार लेना है। अधर्म में रहने वालों को आधार नहीं देना तो क्या है? अधर्म का आधार लेना है। थोड़ा सा विचार करेंगे, अहित का आधार लेना है, अधर्म को निर्दयता का आधार लेना है। बंधुओं अधर्म की शरण लेना ही, अधर्म को संरक्षण देना ही, और हम धर्म में हम अधर्म में हो जाएंगे सोच करके असहाय अनाथ और अधीर को आधार देना कभी बंद नहीं करना अपने जीवन में। कोई आधार देकर अधर में रहता है, कोई आधार न देकर अधर में रहता है। क्या बोला? कोई व्यक्ति आधार देकर के अधर में रहता है, कोई आधार न देकर अधर में रहता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप दूसरों को आधार देकर अधर में रहना अच्छा है क्या दूसरों को आधार न देकर अधर में रहना अच्छा है? बोलो, सब लोग बोलो, दूसरों को आधार देकर अधर में रहना अच्छा है क्या दूसरों को आधार न देकर अधर में रहना अच्छा है? लेकिन आज व्यक्ति क्या पसंद करता है? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? कौन सी चीज अच्छी है बोलो? दूसरों को जो अधर में है उनको आधार देकर के अधर में रहना अच्छा है क्या जो अधर में है उनको आधार न देकर अधर में रहना अच्छा है? आज हर व्यक्ति ये चाहता है
कि मैं दूसरों को आधार न देकर मैं अधर में रहूं तो चलेगा, लेकिन दूसरों को आधार। क्या जीवन है? यही जीवन जीने की कला है क्या? कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा विचार कर लेना, कोई आधार देकर अधर में रहता है, कोई आधार न देकर अधर में रहता है। प्रभु रामचंद्र जी को देखा, सुना आप लोगों ने, प्रभु रामचंद्र जी क्या करे? वो स्वयं निराधार थे, जंगल में भटक रहे थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। कुछ था क्या उनके पास? कुछ भी नहीं था। क्या नहीं था? कुछ भी नहीं था। प्रभु रामचंद्र अधर में थे, और न उनके पास सोने के लिए पलंग, न महल, न गाड़ी, न घोड़ा, न नौकर, न सेवक, न कुछ, लेकिन स्वयं निराधार थे। लेकिन उनके शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आधार देते थे, धीरज देते थे, और उनको आगे बढ़ा देते थे। तुम डरते क्यों? मैं हूं तुम्हारे साथ। वह आधार देकर भी अधर में रहना पसंद करते थे, लेकिन आधार नहीं देकर अधर में रहना पसंद नहीं करते थे। हम और प्रभु रामचंद्र में इतना ही अंतर है। हम आधार नहीं देकर अधर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन किसी को आधार देकर अधर में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को विकसित नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए निधार निराधार से हम बच नहीं पा रहे हैं। कोई आधार देकर अधर में रहता है, कोई आधार नहीं देकर अधर में रहता है, और कोई आधार लेकर अधर में रहता है। कोई आधार लेकर अधर में रहता है। आपने आज मेरा आधार लिया है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, फिर भी आप अधर में हैं, क्यों? कोई आधार लेकर अधर में रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साधु संत सत्पुरुषों का, धनवानों का, धर्मात्माओं का आधार लेकर भी अधर में रहते हैं, सक्षमों के आधार साथ रह करके भी अक्षम बने रहते हैं, क्योंकि वह न सुनते हैं, न समझते हैं, न सोचते हैं, न सीखते हैं, न ही उनका सदुपयोग करते हैं। साधु संतों का समागम का यदि सदुपयोग नहीं करेंगे, साधु संतों का आधार लेकर भी तुम अधर में रह जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए यहां पर आने के बाद अपने आप को क्या कर लेना चाहिए? संतों का आधार लेने के बाद भी अधर में कभी न रहे, मैं यही भावना भाऊंगा। एक आचार्य के अभाव अनेक शिष्य होते हैं, और एक कंपनी के मालिक मुखिया के अभाव में पूरा परिवार क्या हो जाता? अधीर होता चला जाता है। बंधुओं, इस प्रकार की अनेक घटना घटती चली जाती है। धर्म का आधार लेकर भी अधर्म कर अधर में रह जाता है संसारी प्राणी। अपने दुर्गुणों को दूर करके सद्गुणी नहीं बन पाता है, अपने धर्म को वह विकसित नहीं कर पाता है, इसलिए वह अधर में रहता चला जाता है। अपने अंदर की शक्ति और क्षमता को समझ नहीं पाता, इसलिए वह अधर में रहता चला जाता है। कुछ ऐसे होते हैं, कोई आधार नहीं लेकर अधर में रहते हैं। पहले वाला कैसे रहता? आधार देकर के अधर में रहता है। दूसरा कैसे रहता? आधार नहीं देकर अधर में रहता है। तीसरा क्या रहता है? कोई आधार लेकर अधर में रहता है, और कोई आधार नहीं लेकर अधर में रहता है। आप यहां पर आए हैं आधार लिए, लेकिन अपने अंदर की शक्ति और क्षमता को नहीं समझ पाए, तो तुम अधर में रह जाओगे। और यहां पर नहीं आए, अपने घर में बैठे हैं, अपने राग द्वेष विषय और कषाय में लगे हुए हैं, वह आधार न लेकर के भी अधर में होते हैं। यदि तुम निराधारता को समाप्त करना चाहते हैं, कि अपने आप को आधार देना चाहते हैं, आने वाले प्रत्येक प्राणी मात्र को आधार देने का संकल्प करो, और अहंकार में आकर के औरों को आधार देना कभी बंद नहीं करना। और इतना ही नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा, कोई आधार नहीं लेकर अधर में रहता है। एक बार की बात है, एक संत अपने एक शिष्य, बहुत ही अच्छा शिष्य था, और उनसे वह बहुत प्रभावित थे। वह शिष्य इतना समर्पित था, इतनी सेवा करता था,
और हर काम में सहयोग देता था। जीवन भर उन्होंने साधु संतों के श्री चरणों में सेवा में लगा दिया और उसने सोचा, संत ने अंतोगत्वा जब मरणासन के समय हो जाती है उस समय उन्होंने सोचा कि समर्पित शिष्य के लिए मैं क्या दूँ, और सोच करके उन्हें उनके जीवन के कमाई के रूप में उनके पास एक चीज़ थी और उन्होंने उस संत के पास जब वो दर्शन के लिए गया शिष्य, उस समय संत ने क्या कर दिया, उनको बुलाया और अपने हाथ में से एक डिबिया निकाल देता है और उनको सौंप देता है, इसको ले जाना। उनने पूछा इसमें क्या है, संत ने कहा तुमने बहुत सेवा की है, जीवन भर बिना किसी स्वार्थ की भावना के आपने सेवा की है, इसलिए मैं अंत में मेरे पास जो है मैं आपको दे करके जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको 7 दिन के लिए दे रहा हूँ। उनने पूछा इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इस डिबिया में एक कागज है और उस कागज के अंदर क्या है, ये पारस मनी है, ये पारस मनी है, इस पारस मनी को ले जाना और सिर्फ मैं आपके लिए 7 दिन के लिए दे रहा हूं, और 7 दिन में तुम्हें क्या करना, जितने बन सकते हैं जितना बना सकते हैं उतने सोना बना लेना। वो खुश हो जाता है और खुशी खुशी के साथ अब वो सोचता है कि अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। मेरी पत्नी बार बार कहती थी कुछ मांग लेना कुछ मांग लेना, आज गुरुदेव ने बिना मांगे सब कुछ दिया है, शिवपुरी वालों को सब कुछ मिल गया है, इन आदिवासियों को, इन गुर्जरों को, इन वनवासियों को बिना मांगे ही सब कुछ मिला है। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न। इतने सारे गांव के लोग, इतने सारे लोग चातुर्मास के लिए पीछे लगे थे, लेकिन हमारे पैर चलते गए, चलते 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 आए और शिवपुरी में भी सिर्फ 3 आहार करके यहाँ पर घनघोर जंगल में आकर के हमारे पैर रुक गए। यहाँ के लोगों ने, आसपास के गरीबों ने, इन लोगों ने कभी हमारे लिए चातुर्मास के लिए क्या श्रीफल चढ़ाने के लिए कभी नहीं आए थे। मैं ढूंढता ढूंढता निकल पड़ा था, धर्म क्या है, दूसरों को आधार देना धर्म है। मैं किसको आधार देना है और किसके पास पहुंचना है मुझे मालूम था, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ। इसी प्रकार संत ने कहा बंधुओं कि इसमें क्या है, पारस मनी है और इसको ले जाना और आपको जितने सोना बना सकते हैं बना लेना, 7वें दिन में आ जाऊँगा और मेरे को मेरे पारस मनी वापस करना होगा। वो खुश हो जाता है, 7 दिन में तो बहुत कुछ काम हो जाएगा, 7 दिन में तो बहुत कुछ काम हो जाएगा, सोच करके प्रसन्नता से घर चला जाता है और पत्नी को बता देता, तू बहुत दिन से बोल रही थी सोने के आभूषण, सोना चाहिए सोना चाहिए, अब बोल तेरे को सोना कितना चाहिए, और इस प्रकार सोचता है। लेकिन पत्नी कहती है कि लोहा लाओ और जल्दी जल्दी सोना बनाना प्रारंभ कर दो। वो कहता है ये पगले, इतने जल्दी सोना बनाओगे, तुम्हारे पास लोहा भी कितना है, लोहा ही नहीं है, लोहा ही नहीं है, मेरे को अच्छे से काम करने दो, तू चिंता मत कर। वह कंजूसी प्रवृत्ति के आदमी था, कंजूसी प्रवृत्ति के आदमी था, उन्हें कह दिया तू चिंता मत कर, मैं कि कम पैसे में अधिक से अधिक सोना बनाऊंगा। क्या, कम पैसे में अधिक से अधिक सोना बनाऊंगा, तू चिंता मत कर। और इस प्रकार कह करके वह एक दिन तो प्लानिंग में लगा देता, क्या करूंगा मैं, टनों टन सोना खरीदूंगा, क्या लाऊंगा, लोहा खरीद के लाऊंगा, क्या टनों टन क्या करूंगा, लोहा खरीद के लाऊंगा, फिर बाद में एक साथ बैठ करके सोना बनाना प्रारंभ कर दूंगा। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः।
नमः।